चलकर जौनपुर लक्ष्मी कथन सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। आज ये किस तरीके का कार्यक्रम आप करा रहे हैं? हम लोग इस कार्यक्रम आज बच्चों का बाल दिवस है, जो कि पढ़ाई पर युवाओं को, क्योंकि न शिक्षित होते हुए भी बहुत बहुत ऐसा कार्य हो रहा है कि जिन्हें बच्चे एकदम समझ ही नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि सारे बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो जागरूक होंगे। मैडम, इन बच्चों को आप कहाँ से लाती हैं, कैसा ये मतलब कहाँ से आए बच्चे? हम इन बच्चों को मलिन बस्तियों से लाते हैं, जो बच्चे कूड़ा बीनते हैं, कूड़ा बीनते हैं करंट स्टेशन और क्या कहते हैं ट्रेन में झाड़ू लगाते हैं और भीख मांगने वाले बच्चे हैं। मैडम, एक तरफ तो आप बच्चों को इतना बढ़िया संदेश दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि आज दिन छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, क्या कहेंगे उनके विषय पे आप? सर, हम लोग तो यही कहेंगे कि हम लोगों का भी पूरा प्रयास है कि इस चीज़ों को जड़ से ख़त्म किया जाए, लेकिन सर हम लोग भी अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और बच्चों को अपने वही संदेश दे रहे हैं कि तुम लोग किसी प्रकार भी कोई भी गुमराह करे उसके बातों में मत फंसना। मैडम, यहाँ तक कि बच्चे जो हैं जिनके साथ बलात्कार हुआ है उनके लिए लोग न्याय के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या कहेंगे उनके विषय में आप? क्या सर, उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि जो गिरफ्तार है उन्हें कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाए, ताकि जो और जो देखने वाले उनके मुँह काँप जाए कि दोबारा करने की गलती ना करें। मैं नए संस्था का निदेशक हूँ, जो वाराणसी के 5 रेलवे स्टेशन में काम करते हैं और पिछले 9 साल से हम लोग इधर काम कर रहे हैं बाल मजदूरी दिवस के रूप में, और पिछले 9 साल में हम लोग 700 बच्चों को यहाँ से निकाल करके अपना घर पहुँचाए और करीब 100 बच्चों को हम लोग अच्छे स्कूल में, शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग जाने कि बच्चों को मजदूरी कराना गलत है, समाज जाने, परिवार जाने, और हम लोगों को सही कदम उठाए ताकि बच्चे पढ़े और बच्चे आगे बढ़े। इसका उद्देश्य क्या है समाज में जो ये बाल, इसका उद्देश्य क्या है? आरपीएफ से पिछले 9 साल से बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, हम इनके उनसे भी काम करते हैं। समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को मजबूरी करने में ना भेजें, कूड़ा फेंकने में ना भेजें, सड़क पर ना भेजें, और बच्चे पढ़े, और बच्चे हमारा शान है, बच्चे हमारा भविष्य है। एक तरफ तो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चों को ये देखा जा रहा है तमाम बच्चों के साथ बलात्कार, तमाम बच्चों के साथ घटने होते रहे, क्या कहेंगे उनके विषय? तो उसके पीछे हम ये चाहते हैं कि समाज जाने कि बच्चों के ऊपर जुर्म नहीं होना चाहिए, यदि जुर्म होगा तो उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, और सच में होना चाहिए, नियम तो है लेकिन सजा होता नहीं है, लेकिन सजा होना चाहिए। क्या जैसा कि यहाँ पे अभी कुछ समय पहले 3-4 बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे बीजेपी सरकार को, यहाँ के पुलिस प्रशासन को, क्या पूरे प्रशासन को? मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासन सख्त रहे, किसी के ऊपर भेदभाव न हो, लेकिन जो नियम के अनुसार कानून के अनुसार काम होना चाहिए और बच्चों को सुरक्षा मिले। लोग यहाँ तक कि जो लोग कुछ लोग धरने पर बैठ रहे हैं, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसके न्याय के लिए लोग धरने पर बैठ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। नहीं कर सकते, समाज को जागरूक सामान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक हम ये पूछना चाहेंगे कि जो लोग इस समय बच्चियों के अत्याचार हो रहा है, वो लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे उनके विषय में? हम चाहते हैं कि उन्हीं को गिरफ्तार करें जो बच्चों को अधिकार के लिए, अधिकार के विरोध में काम करते हैं, बच्चों का हनन करते हैं, बच्चों को दुख देते हैं।